अभी रोड ध्यान से क्रॉस करना है, ठीक है? चॉकलेट खानी है, ठीक है? बाय बाय। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, हम रोहतांग टनल के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। सतनाम श्री वाहे। हेलो दोस्तों, आज हम चले हैं नई ट्रिप पे। शाम के टाइम हो चुका है 7 और मैं घर से निकल चुका हूँ। गाड़ी में अंधेरा है, लाइट अपनी मर्जी से चलती है और ड्राइव करने का शौक़ है ना, वो रात का ही है। रात को मुझे गाड़ी चलाने में बड़ा मज़ा आता है। और अभी हमने पिछली बार हम गए थे जब मनाली देखने, तो हम टनल ही गए थे लेकिन वो बंद थी। आज मैंने वहाँ पे फ़ोन भी किया और मैं एक दो जो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं स्टेटस की क्या सिचुएशन है, खुली है बंद है, उनसे भी बात की है। वो बोल रहे हैं कि अटल टनल जो है टूरिस्ट के लिए खुल गई है। तो कल सैटरडे है, आज फ्राइडे है, तो मैंने सोचा चलो सैटरडे संडे आ गया। और अभी 7 बज चुके हैं। मेरे हिसाब से हम सुबह के 6:30 जो हम सोलांग वैली तक पहुंच जाएंगे। जैसे पिछले इकट्ठे हो चुके हैं, अभी निकलने का टाइम हो चुका है 7:20। मेरे तीनों दोस्त आ गए हैं, अभी हम निकलने लगे हैं। गाड़ी अपनी हो गई है फुल सामान से। ये हमारे चौधरी जी रह गए थे, ये आ गए हैं। चलिए चलो जी। अच्छा जी, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। सुबह के बज गए हैं 7, अभी हम खड़े हैं सोलांग वैली में। जैसे आपको पता ही है कि कल शाम को हम घर से चले थे, पटियाला से अटल टनल देखने आए हैं। पिछले लास्ट 5 जनवरी को भी हम आए थे तो हम जा नहीं पाए थे, वहाँ बंद थी टनल। अभी स्पेशल हम फिर वही टनल देखने आए हैं और उसके अगर हम टनल पार जाते हैं तो सिसु विलेज भी जाएंगे लाहौल वैली के पार। अभी हमने वहाँ चेक पोस्ट पे बात की है, वो बोल रहे हैं कि 7 बजे के बाद आपको जाने देंगे।
मेरे पीछे देख सकते हैं आप, हम रोहतांग टनल के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। बहुत ही सुंदर व्यू है, चारों तरफ स्नो ही स्नो है। ये जो टनल है पूरे 9 किलोमीटर की है और इससे हमारा जो 45 किलोमीटर जो फासला है वो कम ऊंचा का है और 2 घंटे का समय बचता है। और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट जो टनल बनी हुई है 9 किलोमीटर की वो है और इसे हमें आज देखने का मौका मिला है। मैं दूसरी बार आऊँ इसे देखने, पहली बार हम देख नहीं पाए थे, आगे नहीं आ पाए थे स्नोफॉल के कारण। अभी जो इसका जो सपना था वो हमारे मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे जो इंडिया के प्रधानमंत्री, उन्होंने देखा था। और ये जो टनल है वो 2010 में बनने शुरू हुई थी और लास्ट ईयर 2020 अक्टूबर में इसका मोदी जी ने ओपनिंग किया था और अभी हमें मौका मिला इसको देखने का। और इससे आगे आपको टनल पार करके भी आपको हम दिखाएंगे सिसो विलेज, उधर का व्यू जो होगा वो ही चेक करेंगे। बहुत ही खुशी हो रही है और गाड़ियों की लंबी कतार लग चुकी है, हम चलने के तैयार करने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट अटल टनल की तरफ जाते हुए। जी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया एंजॉय। अभी आपको दिखाएंगे आगे सिसु विलेज, आगे का व्यू देख रहा कैसे सब कुछ व्हाइट ही दिखेगा।